जय हिंद मेरे भाई, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल ड्रीम रैंकर्स पर। डियर, ये इडियम्स हैं और इडियम्स में आप पहला इडियम्स आप देखोगे जिसमें लिखा हुआ है, देखो, टू स्पीक वंस माइंड, मतलब टू स्पीक वंस माइंड। इसका मीनिंग क्या होता है आप कहोगे, स्पीक मतलब बोलना, वंस माइंड अपने माइंड का कुछ बोलना। आप बोल रहे हो तो क्या बोल रहे हो, अपने माइंड के कुछ थॉट्स। अब माइंड में क्या चल रहे होते हैं, आपके थॉट्स चल रहे होते हैं, तो उन थॉट्स को क्या करना, एक्सप्रेस करना, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, टू स्पीक वंस माइंड का मीनिंग क्या हुआ, टू एक्सप्रेस वंस थॉट्स, मतलब यह है कि अपने विचार क्या करना, एक्सप्रेस करना, हिंदी में लिख सकते हो अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, ठीक है। आगे देखो, दूसरा इडियम है आपका ए बिग गन। क्या लिखेंगे, ए बिग गन, बिग और गन, बिग मीन्स क्या होता है, बड़ा, गन मीन्स होता है बंदूक। अब एक व्यक्ति एक बड़ी बंदूक के साथ में इस तरीके से खड़ा हुआ है, मतलब कैसे कहेंगे कि वो बहुत बड़ा व्यक्ति है, प्रभावशाली व्यक्ति है, क्या है, प्रभावशाली व्यक्ति है। तो आप क्या कहोगे, ए मैन इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मीन्स क्या होता है, प्रभावशाली, ठीक है। तो यहाँ पर ए मैन ऑफ इन्फ्लुएंस, तो इसका मतलब क्या होता है, एक प्रभावशाली व्यक्ति, हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। आगे देखो, वाइड अवेक, क्या लिखना है, नेक्स्ट इडियम है आपका वाइड अवेक। ये जो वाइड अवेक है, इसका मतलब क्या होता है, अलर्ट, अलर्ट चौकन्ना, ठीक है, एट वंस, वॉचफुल, ठीक है। तो ये इसके सारे मीनिंग होते हैं। आगे देखो, ए रेड रैग टू ए बुल, रैग मीन्स क्या होता है, चिथड़ा जिसको कहते हैं, मीन्स कपड़ा, ठीक है। तो एक आप देखोगे, बुल मीन्स क्या होता है, सांड, और रेड मीन्स क्या होता है, लाल, ठीक है, और रैग मीन्स क्या है, यहाँ पर कपड़ा। अगर आप क्या कर रहे हो, एक सांड को एक रेड कपड़ा दिखा रहे हो, है ना, तो क्या होगा भाई, टू प्रोवोक समवन, मतलब ये कि किसी को क्या कर रहे हो, भड़का रहे हो, किसी को क्या कर रहे हैं, भड़का रहे हैं या फिर उकसा रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या था, किसी को भड़काना, उकसाना, ठीक है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट इडियम है आपका विली नीली। क्या लिखा हुआ है, विली नीली, ऐसे याद रखो, विली नीली। जब विली नीली आप पढ़ोगे तो इसका मतलब क्या होगा, वेदर वंस लाइक और नॉट, या फिर रैंडमली या फिर डिसऑर्डरली, ठीक है। तो डिसऑर्डरली हो सकता है इसका, रैंडमली, रैंडमली मीन्स क्या था, एक के बाद इसका कोई ऑर्डर ही ना हो, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, क्या, वेदर वंस लाइक और नॉट, हिंदी में लिखना चाहे तो पसंद और नापसंद, पसंद अथवा नापसंद लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है आपका चिक बाय जॉल। चिक मीन्स क्या होते हैं, गाल, और जॉल जो, देखो तो गालों के बीच में क्या है, ये मतलब कि चिक बाई जॉल, जॉल मीन्स जपड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ये दोनों क्या है, पास पास में है, तो क्लोज टुगेदर या फिर साइड बाई साइड, एक दूसरे के साइड में ही है दोनों, है ना। तो चिक गाल और जॉल, ठीक है, ये जो जबड़ा है ये भी, और या फिर वेरी क्लोज टुगेदर, मतलब बहुत पास में, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है आपका बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस, ठीक है, बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। इसका मीनिंग क्या होगा, आप कहोगे क्लैंडेस्टाइन या फिर अंडर हैंडेड या फिर फर्टिवली केयर्ड ऑन, इन सब का मतलब क्या होता है, क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन मीन्स कहता है गुप्त, क्या होता है, गुप्त कह सकते हैं ना, अंडर हैंडेड, अंडर हैंडेड हाथों के नीचे, मतलब छिपा हुआ कह सकते हो, हिंदी में लिखना चाहे तो छिपा हुआ, है ना। बैक स्टेयर, स्टेयर मीन्स क्या होता है, सीढ़ियाँ, बैक मतलब पीछे, सीढ़ियों के पीछे कुछ भी क्या है, छिपा हुआ है, ठीक है। तो क्लैंडेस्टाइन या फिर क्या होगा, अंडर हैंडेड या फिर फर्टिवली कैरीड ऑन, तो इन सब का मतलब क्या होता है, छिपा होना, ठीक है। एट होम, नेक्स्ट इडियम है एट होम। एट होम की बात करेंगे तो एट होम क्या होता है, एट होम मतलब घर पर, और घर पर आप अपने आप को सबसे ज़्यादा क्या फील करते हैं, कंफर्टेबल। तो याद रख सकते हैं फील कंफर्टेबल, इसका मीनिंग क्या होता है, फील कंफर्टेबल, या फिर क्या है, अपने घर पे क्या करते हैं, अपन रिलैक्स हो जाते हैं, तो क्या मतलब होता है इसका, रिलैक्स्ड भी होता है। नेक्स्ट बिटवीन, इसको सीला, बिटवीन सीला एंड चेरी डिस,
तो अब देखो बिटवीन का मतलब के बीच, और आप ऐसे नाम याद रख सकते हो याद करने के ट्रिक से कि सीला, जब सीला के बीच और एक दूसरी और है ना, एक और दूसरी क्या नाम है चेरिप्सिस, दोनों के बीच, अब दोनों सीला और दोनों के बीच है तो आप कहोगे कि टू डेंजर्स, दोनों के दोनों क्या है डेंजर्स है, खतरनाक है, मतलब इत कुआ इत खाई, ठीक है, तो वो वाला मीनिंग लिख सकते हो, ठीक है, इत कुआ इत खाई, ठीक है, दोनों तरफ क्या है मुसीबत ही मुसीबत है, ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इनका मीनिंग याद रख सकते हैं डेंजर्स, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना इधर कुआ है इधर खाइए, जाए तो जाए कहाँ, ठीक है, बीच में फंस गए ना, तो उसी प्रकार से देखोगे किस किस के बीच में फंस गए भाई, सीला और चेरी के बीच में, है ना, याद करने के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है, तो उम्मीद है ये सारे एडियम्स आपको याद हो जाएंगे, बार बार आप देखा करो याद ऑटोमेटिक आपको होने लगेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।